लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ट्रेन स्लो हो गई थी क्योंकि टर्न्स आते हैं ना। अब वापस गुड इवनिंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस जिद्दा, मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहा हूँ मदीना की तरफ। टैक्सी ऑर्डर कर दिए, यहाँ से मैं जो फास्ट ट्रेन है वो पकड़ के जाने वाला हूँ। आ जा यार, किधर रह गई, लेट ना हो जाओ यार। ट्रेन चलने में लगभग अभी 30 से 40 मिनट बची हुई हैं। इनका ट्रेन स्टेशन फास्ट पे है और ये किधर है? जो नज़दीक है वो वाला नज़दीक। कितने देर में पहुंच जाएंगे जो नज़दीक है वो? तो भाई साहब टैक्सी मिल गई मुझे। कहाँ से भाई जान आप? पाकिस्तान से हैं क्या? कितने, दो स्टेशन है क्या यहाँ पे हरमेन के? वो एक तो पहले एक ही चल रहा था, वो अभी जल गया, उसका काम अभी नहीं शुरू हुआ। लेकिन मैंने सुना था कि वो शायद वापस ओपन हो गया है, 3 बजे खुल जाता है। सुलेमानिया में पड़ता है ना वो? हाँ, तो वहीं पे चलिए। पास अभी रास्ते सीधा ही है ना भी? वो ही एक ही रास्ता है। हाँ चलो ठीक है, फिर सुलेमानिया वाले में चलिए फिर। आप आपको साइडों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, ये सारे के सारे जो बिल्डिंग है टूटने वाली है ना, सब टूट जाएगा। नहीं भाई, इस साइड बिल्डिंग टूटी हुई है, इस साइड बिल्डिंग, ये जो जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हो सब टूटने वाली है। मैंने में अभी जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, कोई नहीं रहता है, खाली हो चुकी है ये। हाँ इधर देखिए आप थोड़ी बहुत, तो इधर एकदम बड़ी बड़ी एकदम ही नया शहर बसा देंगे। अच्छा दुबई बना रहे हैं क्या जिद्दा को? और भाई जान वो किधर बन रहा है? वो एक लाइन सिटी है ना, नियोम। नियोम वो तो उधर ईरान वाले बॉर्डर के साथ है, वो ऊपर जॉर्डन वाले की तरफ, क्या नाम है उसका, तबुक के ऊपर। हाँ उसके ऊपर, वो बहुत दूर है। अरबी वर्बी सब आ गई होगी आपको फिर? अब तो काम की निस्बत आती है सर, मैं इतनी ज्यादा भी नहीं आती है। ठीक है, काम चलना चाहिए यहाँ पे, अपने कौन सी किताब लिखनी है। तो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट है वो तो जबरदस्त है यार, ये देखिए आप, मस्त बिल्डिंग बना रखी है। मेरे अकॉर्डिंग टाइम था 4:23, और अब जब मैंने दोबारा टाइम देखा तो जो ट्रेन का एक्चुअल डिपार्चर टाइम है 4:32, तो 7 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिल गई है। उस दौरान मैं थोड़ा स्टेशन को भी ढंग से देख लूँगा। इधर ये सारी की सारी पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, और फिर हर जगह पर एक साइड एस्केलेटर, दोनों साइड एस्केलेटर्स हैं, बीच में लिफ्ट हैं, और ये है यहाँ की एंट्रेंस। जो मेरी ट्रेन है वो 4:32 की है। प्लेटफॉर्म पर एंट्री आपके शायद 20 मिनट्स पहले ही बंद हो जाती है, जस्ट लाइक फ्लाइट्स की बोर्डिंग गेट्स पहले ही बंद हो जाएंगे। तो अभी एक बार मैं सिक्योरिटी चेकअप करवा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म के जो एक्सेस हैं वो शायद अभी ओपन हुए नहीं है, ट्रेन डिपार्ट होने में अभी भी 15 मिनट के आसपास हैं, तो शायद थोड़ी देर बाद ओपन होते होंगे। प्लेटफॉर्म 5 और 6 मक्का के लिए शायद ये वाला प्लेटफॉर्म, मदीना के लिए शायद वो नेक्स्ट वाला प्लेटफॉर्म है। स्टेशन का जो आर्किट है वो सच में काफ़ी अच्छा है, और बाहर से जो बिल्डिंग है स्टेशन की वो भी काफ़ी मज़ेदार है, एकदम फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है। 8 या 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं टोटल, तो मेरे हिसाब से जो सऊदी गवर्नमेंट का आगे का प्लान होगा क्या होगा कि शायद पूरे सऊदी के अंदर एक काइंड ऑफ रिंग बना दें और जिद्दा और रियाद को भी फास्ट ट्रेन से जोड़ दें। अभी मेनली जो ये ट्रेन है ये मक्का, जिद्दा, मदीना, इन्हीं तीन स्टेशनों के बीच में चलती है। इसमें 2 टाइप की टिकट्स, एक थी इकोनॉमी और दूसरी बिजनेस। इकोनॉमी का प्राइस था 190 रियाल, जो ऑलमोस्ट 4,000 रुपये होते हैं, और बिजनेस का प्राइस था 240 रियाल, जो ऑलमोस्ट 5,000 रुपये होते हैं। तो 1,000 रुपये के डिफरेंस में 2 क्लास का फ़र्क था, तो मैंने सोचा यार चलो आज मैं बिज़नेस क्लास ट्राई करता हूँ। ये है सऊदी रेलवेज़ की बिज़नेस क्लास टिकट, जिद्दा से डिपार्चर है 4:32 का, और अराइवल है मदीना में 6:20 का। लगभग 1 घंटा 50 मिनट की जर्नी होने वाली है। ट्रेन का जो बाहर से लुक है वो एकदम जो चाइनीज रेलवे के फास्ट ट्रेन थे ना, चाइनीज रेलवे के बुलेट ट्रेन, उनसे मिलता है, लग भी मस्त रही है। लेकिन ये ट्रेन है टाल्गो की, और टाल्गो आई थिंक इट्स स्पेनिश और इटालियन कंपनी, यूँ मान लीजिए यूरोपियन यूनियन की कंपनी है। और यहाँ पे ट्रेन के टिकट बुक करना बिल्कुल आसान है यार। इससे पहले जब मैंने दमाम से रियाद के लिए ट्रैवल किया था उस टाइम भी मुझे कोई ज़्यादा पंगे नहीं हुए थे, ना कोई आपको आईडी बनाने की ज़रूरत थी, सिर्फ आपको पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, अपने वीज़ा का नंबर डालना पड़ता है एक बार। हरमेन हाई स्पीड रेलवे, इकोनॉमी
14 के आसपास डब्बे हैं भाई इस ट्रेन में, लेकिन डब्बे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं। ये आगे ट्रेन का नंबर है 1160003। मेरे राइट साइड में अभी जितने भी कोचेज आ रहे हैं वो सारे हैं इकोनॉमी क्लास के, और बिजनेस क्लास के सब पीछे रह गए। मेरा कोच नंबर है 2 और सीट नंबर है 32। ओके ओ भाई साहब, सीट नंबर 32, ये वाली सीट है मेरी। सीट सच में अच्छी हैं, और मज़े की बात इस कोच के अंदर सिर्फ हम दो जने हैं। मे भी शायद अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से जो सीट है वो रिक्लाइनिंग नहीं है। और यहाँ पे शायद चार्जिंग, अरे यहाँ पे चार्जिंग वाला है, इधर आप ईयरफोन लगा सकते हो, और ये है स्क्रीन इंग्लिश, अरे मूवीज भी हैं भाई साहब, मूवी ज़्यादा नहीं है। अरे यहाँ पे डस्टबिन भी है नीचे, ये है फुट रेस्ट। ये ट्रेन आ रही है मक्का से, अभी है जिद्दा में, और इसका जो अगला स्टॉप है वो डायरेक्ट मदीना ही है। ये शायद एयरपोर्ट के ऊपर भी नहीं रुकने वाली है। ट्रेन चल पड़ी है, और ट्रेन चलती मैंने सीट चेंज कर ली, क्योंकि अब ट्रेन और कहीं पर रुकने वाली नहीं है, तो पूरी ट्रेन मेरे हिसाब से खाली जा रही है। पूरी ट्रेन नहीं, जो हमारा कोच है इसके अंदर सिर्फ 2 बंदे बैठे हैं, और एक कोच की शायद जो सिटिंग कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 50। उधर स्पीड लिखी आ रही है, और जो मक्का की डायरेक्शन है वो भी दिख रही है इस ट्रेन के अंदर। अगर मान लो ट्रेन चलते टाइम अगर आपको प्रेयर वेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सऊदी रेलवेज के अंदर जो अभी तक मैंने देखा है कि लगभग वहाँ पे आपको प्रेयर के लिए एक रूम मिलता है, वो शायद जब मैं इस ट्रेन को और एक्सप्लोर करूँगा तब आप लोगों को और ढंग से दिखा दूँगा। हरमेन एक्सप्रेस, थैंक यू ब्रदर। ब्रदर वेयर इज द कैंटीन और द रेस्टोरेंट फॉर व्हाट, फॉर सैंडविच और समथिंग? ओके, और दे विल कम हियर, कोच नंबर 5, कोच नंबर 5 द कैफेटेरिया, सो लाइक थर्ड, या दिस वन कोच नंबर 2, या थर्ड 3 4 5, या ओके, सो ऑल दीस आर बिजनेस एंड या सो 4 बिजनेस एंड 5 बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड द कैफेटेरिया एंड द लास्ट ओनली ओपन। ओके, ट्रेन अभी 174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 174। ये ट्रेन मेरे हिसाब से जो पिलग्रिम्स है ना उनके लिए बनाई गई है स्पेशली। ये मक्का और मदीना को कनेक्ट करती है। जब लोग हज के लिए आते होंगे या फिर उमरा के लिए आते होंगे उस टाइम पर शायद इस ट्रेन के अंदर टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता होगा, और बाकी पूरे साल भी जो पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पे आते ही रहते होंगे। जिद्दा सऊदी की सबसे मॉडर्न सिटी कंसिडर की जाती है। अभी जिद्दा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट हो रहे हैं, शायद 2030 की कोई सऊदी की विज़न है। अब एक भाई साहब एक बात माननी पड़ेगी, लोग चाहे कहीं के हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, पैसे बचाने के लिए हर कोई एफर्ट मारता है। ये तो मेरे जैसे बंदे होते हैं कि चलो बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस लेते हैं 50 दिरहम एक्स्ट्रा दे के, और इस एक्सपीरियंस के अंदर मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पता नहीं अब ये फील आ रही है कि यार इकोनॉमी क्लास उतनी डिफरेंट नहीं होगी, यहाँ पे लोग होते ना तो मज़ा आता है। हम सिर्फ 2 बंदे हैं, वो जो भाई वो पीछे बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ, कर लो बात, किससे करोगे, मैं और मेरी तन्हाई बचे हैं अब इस ट्रेन में। जैसे अपने इंडिया में नहीं होते हैं, कोई बड़ा शहर हो गया उसके आसपास जो टाउन होती हैं उनके अंदर प्लाट कटने लग जाते हैं, तो यहाँ पे प्लाट कटे हुए हैं, और वो भाई वो प्लॉट काट काट के लोगों में बेच देते हैं। सेम सीन मेरे को यहाँ पे लग रहा है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यार सऊदी और इंडिया में, बस ये है कि सऊदी के पास जो एक पर्टिकुलर इनकम का सोर्स है वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे है, और अपनी जो इंडिया की इनकम है वो काफ़ी चीज़ों में डाइवर्सिफाई हो रखी है, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, लेकिन सऊदी का मेन सोर्स 2 चीज़ों से आता है, फर्स्ट है ऑयल एंड पेट्रोलियम, और दूसरा है रिलीजियस टूरिज्म, और अब ये शायद खुद को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें जब भी थोड़ी बहुत एकदम ऊपर जाने लग जाती हैं ना मेरे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। एक तो भाई ट्रेन अभी गड़गड़ गड़गड़ गड़ कर रही है, और थोड़ी देर पहले एक और ट्रेन आ रही थी दूसरी साइड से,
और आपको पता है जब दो ट्रेनें आपस में अपोजिट साइड से आती हैं तो साथ में हवा भी आती है और उस हवा के कारण मस्त सा प्रेशर लगता है। तो जैसे वो ट्रेन यहाँ पे तो एकदम झटका सा लगा, मैं भाई साहब उड़ूंगा क्या मैं। ये देख लो भाई साहब, जब आप जेद्दा से मदीना की तरफ जाते हो तो रास्ते में एक जगह पर एक छोटी सी माउंटेन रेंज आती है और अभी उस माउंटेन रेंज को ही क्रॉस किया हमने। यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ट्रेन स्लो हो गई थी क्योंकि टर्न्स आते हैं ना। अब वापस से जो ट्रेन है अपनी स्पीड कैच कर रही है। अब तक जो मैंने ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड देखी है दैट इज़ 302 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब सब कुछ फाड़ते हुए जा रही है गाड़ी, दुमे ठान दी। 253 पहुंच गई यार, 254, 255, 256। भाई साहब रे 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 रे, कति चैन वाली फील आन लग रही। इंडियन रेलवेज में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया तो हमें हमेशा से जो अपनी ट्रेन की एक स्पेसिफिक आवाज़ होती है, जब दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है उसके ऊपर से जब ट्रेन का पहिया गुजरता है मस्त आवाज़ निकलती है, ठटक 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 ठटक। उस आवाज़ को काफ़ी मिस करता हूँ यार मैं। एक तो भाई हम व्लॉगर्स वाला हर जगह से कंटेंट चूसने में लगे रहते हैं, तो जब मैं वहाँ पर गया रेस्टोरेंट में या फिर कैफेटेरिया बोल दीजिए या फिर कुछ भी बोल दीजिए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लगी हुई थी लाइन। और लाइन में एक बार दूसरा मैं वीडियो बनाऊँ या रहने दो, फिर लगानी है बेटा दीपांशु जूद वूद लग जाएंगे अपने, एकदम नॉर्मल काम कर। तो वहाँ पे वीडियो मैंने नहीं बनाई। और ये है इस ट्रेन का वॉशरूम, वॉशरूम क्लीन है यार, पर और इसके अंदर जेट ये वाला है। अब अंदर आए हैं तो प्रक्रिया पूरी कर ही लेते हैं, मन हो रहा है बैठ के थोड़ा। ये बाल अरे एक छोटा सा टॉयलेट। बस ट्रेन थोड़ी देर में पहुंचने वाली है मदीना, 20 मिनट का रास्ता और बचा है, 20 मिनट में हम मदीना की पवित्र धरती को टच कर देंगे। पाँच या दस मिनट में मदीना पहुंच जाएंगे। मदीना का हरमिन रेलवे स्टेशन, यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। वालेकुम सलाम। मदीना के अंदर मेरा आगमन हो चुका है। नो फ्रेंड इसका, नो नो थैंक यू फ्रेंड 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 नो थैंक यू। स्टेशन से बाहर निकला वही अपने वाला सीन, भाई टैक्सी 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 टैक्सी। ये है मदीना रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस, इधर हो रहा है मेरा टैक्सी का वेट, बोल्ट पे नहीं मिले मेरे को, फिर अब ऊबर ऑर्डर किए हैं और ये टैक्सी मेरे को चार्ज करेगी 17 to 22 रियाल्स। टोयोटा कैमरी लेके आ रहे हैं भाईजान जिनकी गाड़ी में जाने वाला हूँ। मदीना के मेरे होटल में पहुँच गया हूँ और अब तक का ये मेरा सबसे सस्ता होटल है। ओके शुक्रिया नबी भी। रूम मिला है मुझे 409 और इधर मैं खुद को देख पा रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है इधर। जो सऊदी की इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट कैशलेस बन चुकी है, लेकिन जैसे अभी मेरे पास मोस्टली जो कार्ड्स हैं, एक है मास्टर कार्ड। सऊदी में आप जहाँ पर भी जाएंगे ना आपको हर जगह पर कार्ड स्वाइप मशीन मिल जाएगी, लेकिन पंगा यह है कि सभी जगहों पर मास्टर कार्ड और वीज़ा काम नहीं करते हैं। सऊदी की कुछ लोकल वो गेटवे एजेंसी भी है, जैसे अपने इंडिया में रुपये है ना, यहाँ पर है मादा MADA। अब भाई रूम नंबर कैसे ढूंढे, तो अरेबिक में लिखे हुए हैं। कौन से वाला होगा? नहीं मेरे को
ये अरेबिक भी लिखा हुआ, मुझे अरेबिक पढ़नी नहीं आती है, अरेबिक पढ़ना नहीं आता है। आपको आता है पढ़ना? कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? कितना टाइम से हो? हाँ 16 साल हो गया। ओके थैंक यू। हाँ जी अंदर आते ही कालीन बिछी हुई यहाँ पे, आप बैठ के शायद टीवी, अरे हाँ टीवी देख सकते हो। और ये है हमारा बेडरूम। ऑन जा, हो जा, ऑन हो जा, ऑन हो जा। हाँ हो गई। इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ 1700 रुपये पर नाइट। ये इस रूम का लिविंग रूम, ये इस रूम की किचन, काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट मान लीजिए आप। अच्छा है यार, बेड एकदम साफ है, स्मेल आ रही है नहीं आ रही? अरे चश्मा तोड़ दिया शायद। आज मैं सिर्फ एक ही बैग लेके आया हूँ, जो दूसरा बैग है वो मैं कल सुबह मैं बाहर निकलूंगा और मदीना में घूम के आऊंगा। अभी जो रीसेंट सऊदी के अंदर चेंजेस हुए हैं उनके बाद से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी मदीना आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मक्का मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। मक्का के अंदर अभी भी अलाउड नहीं है, लेकिन मदीना के अंदर आप आ सकते हो। मदीना में सिर्फ एक जगह है अल हराम, जो शायद प्रॉफिट मोहम्मद का मस्जिद है मेन, जो मदीना का सेंटर मान लीजिए आप, उसके अंदर नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते हैं। बाकी आप मदीना में चाहे कहीं पे भी चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। कल सुबह मैं उठूंगा, मदीना को एक्सप्लोर करूंगा और जो अल हराम मस्जिद है उसके बिल्कुल पास जाके आऊंगा। अंदर नहीं जा सकता मैं, लेकिन मैं बाहर से उसको देख सकता हूँ। और उसके बाद मैं वापस जद्दा चला जाऊंगा और जद्दा जाने के बाद मैं जो नॉर्थ सऊदी है उसको ढंग से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन नॉर्थ सऊदी को मैं एकदम जिस तरीके से मैं घूमता था उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। नॉर्थ सऊदी में जो जो जगह है ना, आपको याद होगा मैं जॉर्डन में गया था तो वहां पे एक जगह थी पेट्रा से रिलेटेड एक जगह है नॉर्थ सऊदी में। और फिर जॉर्डन में एक जगह थी वादीरम, जिसको मैंने वीडियो में टाइटल डाला था मार्स, वैसी की वैसी जगह सऊदी में भी हैं, उससे मस्त मस्त जगह भी सऊदी में हैं। और बहुत लंबे लंबे सैंड ड्यून्स जो मैंने भी उम्मीद की थी और जो आपने भी उम्मीद की होगी सऊदी अरेबिया से, वो भी आप देखने वाले हो। उनकी सर्च में मैं साउथ की तरफ चला गया था, मेरी सऊदी के अंदर सबसे बड़ी भूल हुई, लेकिन कोई नहीं यार, साउथ में जब गया तो भी मुझे अलग तरीके के एक्सपीरियंस हुए, तो कोई बात नहीं, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।